अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई व्लॉग। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेसिकली बिल्कुल ना बोलूँ, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ मैं बेसिकली बहुत बोल रहा हूँ अपने व्लॉग्स में। कोशिश मेरी फुल यही होगी बेसिकली मैं ना बोलूँ। और यार मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियोज़ तो मेरे देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं, 40-50% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो काइंडली मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल। सो वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, पाकिस्तान्स मोस्ट लग्जरी एंड फास्टेस्ट कार मैं आपको दिखाने लगा हूँ आज। ये बहुत लग्जरी कार है, आज मैं घर पे आई हुई है, खड़ी हुई है। ये मोस्ट फास्टेस्ट कार ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट लग्जरी कार ऑफ पाकिस्तान। मीन्स कि इसके बाद कोई गाड़ी बचती नहीं है पाकिस्तान में लग्जरी सेगमेंट में। इतनी पसंद है ना ये गाड़ी, मेरी एक ड्रीम कार होती है ना, ऐसे मेरी बस के लिए ड्रीम कार थी कि मैं इसको एक दिन चलाऊं। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं चलाऊं इसको एक दिन, और वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन नसीब हुआ है मुझे कि मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया। और मेरी ड्रीम कार थी बेसिकली, और मैंने इसको ड्राइव किया तो यार कसम से ऐसा मुझे फील आई है, वो क्या मर्सिडीज़ होगी और क्या BMW होगी यार, जो मुझे इस गाड़ी ने फील दी। बड़े अच्छे से ये गाड़ी ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी कि मैं इसको चलाऊं, ड्राइव करूं, इसकी फील लूं। एक फील जो है ना इसकी यार, वो फील ही मैं कहता हूं हर चीज़ है इस गाड़ी की। पता नहीं किस कोने में थी, किस कोने से किसी से ढूंढ के पकड़ के लाया हूँ इसको मैं। मैंने ड्राइव किया, इसकी फील दी है, वो ख्वाहिश पूरी हुई है ना मेरी इसको चलाने की। तो मतलब इंसान का दिल करता है कि मैं एक काम कर लूँ, ये कर लूँ, ड्रीम कार चलाऊँ। मेरी मतलब वो फुल ख्वाहिश हो गई है पूरी। काफ़ी अरसे से यार मैं लगा होता हूँ पीछे किसी चीज़ के, आप लोग कहते हैं ना, बल्कि सारे कोई चीज़ अगर ड्रीम कार हो, किसी की कोई चीज़ हो, और कोई चीज़ हो काफ़ी अच्छे से, अगर आपके हाथ ना आ रही हो और आपका बड़ा दिल हो उसको चलाने का, उसको बाय करने का, उसको लेने का, उसको देखने का। लिटरली आज मेरा वो दिन है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसे लिया तो नहीं है लेकिन इसको चला लिया तो समझे बस मेरा शौक पूरा हो गया। इसको लेने का भी देला भर गया बिकॉज मैंने इसको देख लिया, इसको चला लिया, मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है यार, और ऐसी अट्रैक्शन हो रही है इसको देख के, एक अलहदा किस्म की अट्रैक्शन हो रही है यार। सीरियसली यार, एक बहुत ड्रीम था मेरा, इसने रातों को ड्रीम में आके मेरी रातों की नींदें उड़ा दी हैं यार। ऐसी ये गाड़ी है बेसिकली, ये इट्स ऑसम, इट्स ब्यूटीफुल यार, इट्स इनक्रेडिबल। टाइम टू रिवील द कार। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो। क्या गाड़ी है भाई, क्या गाड़ी है, हुए हुए हुए। देखिए आपने कहीं ऐसी जैगवार मर्सिडीज, ये जैगवार स्टाइल कार, देखिए हनीकॉम ग्रिल, जैगवार स्टाइल ग्रिल है भाई इसकी, क्या गाड़ी है यार। मेरे को जानता नहीं है। ये हमारी वो लग्जरी कार है जिसका आज मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त किस्म का रिव्यू देने लगा हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। आप लोग इसकी ये फ्रंट ग्रिल ले सकते हैं, ये किसी जैगवार स्टाइल से कम नहीं है बेसिकली। ओ फिर सॉरी, यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है हमें, वॉशर मिल जाता है इसके साथ, ये साइड मिरर, क्या साइड मिरर है यार, क्या बात है। और ये आप लोग देख सकते हैं कितनी हम लोगों ने सफाई इसकी की हुई है माशाल्लाह। टायर हमें बेसिकली 13 इंच का मिल जाता है, मेहरान में भी यही मिलता है हम। साइड इंडिकेटर आप लोग देखें कितना ये यूनिक स्टाइल है, ये नया स्टाइल है। और ये शीशा, ये ऐसे शीशे हैं कि आप इसको हाथ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं इजीली, आपको मतलब करने की ज़रूरत नहीं ना ऑटोमेटिक और मैनुअली, आप हाथ डालें और ऊपर नीचे करें, दैट्स इट। और ये भी ऐसे सीन है बिल्कुल, ये देखें आप बाहर से भी कर सकते हैं, क्योंकि आम गाड़ी तो नहीं है। सो इसको, इसका दरवाज़ा खोलने के लिए आपको अपनी बहुत जान चाहिए होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तगड़ा बंदा इसको खोल सकता है यूं करके, इसको खोलना आसान नहीं है और ना ही इसको बंद करना आसान है। ये स्लाइडर्स लगे हैं जी। जी डिग्गी की अगर बात करते चले हम लोग, यहाँ पे हमको सिंपल ब्रेक लैंप मिल जाता है, रिवर्स लैंप हमें लाइट एक यहाँ पे मिलती है छोटी सी। और फिर अगर हम इसकी डिग्गी की बात करते चलें, सो वही आपको खोलने के लिए बहुत जोर चाहिए है, बिकॉज इट्स द मोस्ट स्पेशियस कार। जगह आपके सामने है, बंद करना भी कोई आसान नहीं है। और पाकिस्तान में कामयाबी की जमानत आपको हर दुनिया के कोने में ही कैरी डब्बा इसलिए नज़र आता है बिकॉज इसमें जगह बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, इसलिए लोग 10-10, 20-20 लोग भर के ही आपको हर जगह मिलता है। अच्छा यहाँ पे कीचेन है ही नहीं, वाओ
तो इसका मोस्ट लग्जरी और स्पेशियस इंटीरियर अब मैं आपको अंदर से एक्सप्लोर करवाता हूँ। सो एश्योर अंदर जाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, हियर आई एम। चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप लोग एयर डब्बे में यूं बैठे हैं ड्राइविंग सीट पे या आगे, तो सफर की दुआ लाजमी पढ़ लें, बिकॉज आपके बिल्कुल नीचे इंजन होता है सीट के नीचे। सो आई रिकमेंड यू सफर की दुआ। स्टीयरिंग व्हील आप लोग देख सकते हैं, ये कोई आम स्टीयरिंग व्हील नहीं है, ये इस कैरी डब्बे को घुमाता है, फिराता है, हर जगह जहां भी जाती है ये इसी का हाथ है इसके पीछे। और यहाँ पे आते चले तो साइड इंडिकेटर्स हैं नॉर्मली वही, और यहाँ पे आ गए तो वॉशर्स कंट्रोल हमें मिल जाते हैं। ये इसका स्पीडोमीटर है जी, मोस्ट लग्जरी। पाकिस्तान में किसी गाड़ी में आपको ऐसा स्पीडोमीटर नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये जो है ये स्पीड लिमिट की गई है 120 तक, जो कि 70 में भी आई थिंक उतनी नहीं होती। और ये इसकी टॉप स्पीड है, इसके आगे तो मतलब गाड़ियाँ ख़त्म है ना। इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर की जाती है, यहाँ पे फ्यूल की जाती है, यहाँ पे कुछ इंजन लाइट्स आ जाती हैं, यहाँ पे राइट लेफ्ट इशारे आ गए, इंडिकेटर्स आ गए, सिंपल FM ब्लूटूथ रेडियो मिलता है, शुक्र है उन्होंने दे दिया है। और यहाँ पे ऐसे कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पे भी डैशबोर्ड में आप कुछ रख लें अपनी मर्जी का। ओके, मुझे आराम से बनते हैं। ये साइड मिरर्स आ गए, ठीक है। आप लोग हेड स्पेस चेक करें और फिर स्पेस चेक करें भाई, कितनी स्पेस है यहाँ पे। हम लोग तीन हार्डली बंदे बैठ जाएं, बट हम पाकिस्तानी आपको पता है तो पांच बंदे भी हम बिठा सकते हैं। और पीछे तो इतनी स्पेस है कि आपकी सोच है, यहाँ पे आप जितने 10-12 दिल करे आपका भर ले बच्चे। किसी का अगर बाजू थक जाए ड्राइविंग करते करते, तो वो इस चीज़ को उठा के अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट भी कर सकते हो। सॉरी, ये गियर कोई आम गियर नहीं है जी, इसको लगाने के लिए हमें दिन रात तक खाया हुआ लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ये इतनी आसानी से गियर नहीं लगता, जब आप चलाएंगे ना इसको तब पता लगेगा आपको। ये सीट बेल्ट मैंने एक दफ़ा लगाने की कोशिश कर ली थी, लेकिन फिर मैंने इसको तमीज़ से बड़े प्यार से वापस रख दिया, जैसे यहाँ पड़ी हुई थी। हैंड ब्रेक देखें, आप लोगों ने कहीं पर नहीं देखी होगी इस पोजिशन में हैंड ब्रेक, कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है भाई। राइट साइड पे एक लाइट ब्लिंक होती है रेड कलर की, जिसका मतलब ये कि गाड़ी इस टाइम जो है वो अनलॉक है और स्टार्ट हो जाएगी। जैसी गाड़ी लॉक होगी स्टार्ट नहीं होगी, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर इन 14 लाख। अगर आपके ऑन वेरी राइट साइड इसको अगर आप उठाएंगे तो ये आपको ब्रेक ऑयल है आपका, जो कि आपने यहीं से उठा के चेंज करना है भाई। जब ये गाड़ी चलती है ना, गाड़ी डब्बा एयर डब्बा जो चलता ही है, तो इसमें आपको जो है सीट बेल्ट की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ती, ना वो आप कंट्रोल कर सकती है, बिकॉज आप लोग बिल्कुल यूं होते हैं, यूं होते हैं। हाइड्रोलिक शॉक्स लगे हुए ऐसे बेहतरीन किस्म के, आपको वो बैठना ही नहीं देते, टिक के बैठने नहीं देते आप लोगों को। आप लोगों को मुसलसल ये लोग इम्तिहान में रखते हैं। सबसे 14 लाख रुपए की गाड़ी में इस टाइम सबसे एक्सट्रीम फीचर लगे मुझे इस गाड़ी में, इसकी वो ABS और प्लस EBD प्लस VSC ब्रेक। व्हाट अ ब्रेक, ऑटोमेटिक सेंस करती है ब्रेक भाई। ब्रेक ऐसी है आपकी सोच है, कभी कभार तो लगती नहीं है, और जब लग जाए अल्लाह के फजलो करम से तो वो एक मौजा ही होता है। और लोगों ने ये चढ़ाई होती है पहाड़ों में, तो यस कभी कभार होता यूँ है कि ये गाड़ी हम नहीं चला रहे होते, ये गाड़ी बेसिकली हमें चला रही होती है। और आपके सामने कोई चीज आ गई है और आपको नहीं दिख रहा तो इस गाड़ी में हॉर्न भी नहीं है। ओके, सो मेक श्योर आपको शीशे से बाहर मुंह निकाल के थोड़ा सा लेफ्ट राइट करवाना पड़ेगा। ये विंडोज इतनी हल्की हैं कि जब आवाज चलती है तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाती हैं, और ऑटोमेटिकली ये वापस ऊपर भी हो जाती हैं, हमें इस चीज की यूज करना ही नहीं पड़ती। वाह, ये 15 लाख में आपको एक ऐसा फीचर मिल रहा है जो आपको किसी मर्सिडीज BMW में नहीं मिलता। एक सीक्रेट जगह बताऊं कि आज यहाँ पे आप लोग अपने सीक्रेट चीजें रख सकते हैं छोटी मोटी। ये देखें आप लोग यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे आप लोग अपने ऐसी चीजें रख सकते हैं कि जो आप चाहे ना देखें लोग। और ये बड़ा ही एक यूजफुल फीचर है इस गाड़ी के लिहाज से। और आप देख सकते हैं व्हाट अ कार, कार थीम चेक करें, ब्लू ग्रे सारे सीट्स में इसकी कोशिश हुई हुई है बेसिकली। फिर बेसिकली बहुत बोल रहा हूँ सॉरी उसके लिए यार, आप देख सकते हैं सुजुकी की बैजिंग है यार, वरना मैंने यहाँ पे जगुआर लिखवाना था सुजुकी को।
15 लाख रुपए में भाई इतनी अच्छी गाड़ी आपको मिल रही है, इतनी अच्छी गाड़ी कि एक भी एयर बैग आपको नहीं मिल रहा, कोई सेफ्टी फीचर आपको नहीं मिल रहा, कोई चीज आपको सही नहीं मिल रही, ना आपको ब्रेक सही मिल रही है, ना आपको कुछ सही मिल रहा है, ना आपको सस्पेंशन सीख मिल रही है। मैं तो कहता हूँ इसका नया मॉडल आना चाहिए, बल्कि बेशक आप 50 लाख ही करते हैं, हम लेंगे लेंगे, हम बिल्कुल लेंगे। देखते हैं सनशेड इसका आप उतार के रख भी सकते हैं अगर आपको ज्यादा गर्मी ना फील हो। तो इंजन देखें इसका किधर है जी, ये देखें जी, ये इसका है इंजन जो आपको सरप्राइज मिलता है, ये सब कूलेंट बोतल है, शॉक्स आगे, और वो इसका इंजन है। आपको हीट फील होना चलाते हुए, हीट फील हो तो थोड़ा सा ज़रा बर्दाश्त कर लीजिएगा बिकॉज, और सफ़र की तो लाजमी पड़ेगा, मैंने आपको बताया ना, अल्लाह के हवाले। ओए होए होए क्या फैब्रिक यूज की हुई है यार, क्या बात है, देख सकते हैं इन्होंने 15 लाख रुपए में हमें ये एंटीना दिया हुआ है जिससे आप खेल भी सकते हैं, ऐसे तो नहीं होता। देख रहे हैं ये 15 लाख रुपए का एंटीना ऐसे किधर कीजिएगा, 15 लाख रुपए में इन्होंने देखे हमें यहाँ से खोलने का इन्होंने इजाजत नहीं दी दूसरी तरफ से, सिर्फ ड्राइवर से खोलो आप। 15 लाख रुपए में जी इन्होंने गियर भी दिया हुआ है, स्टेयरिंग भी दिया हुआ है, शुक्र है एसी नहीं दिया, वो एसी आप लोगों का खुद ही चलता है अगर मौसम अच्छा हो, वरना गाड़ी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एसी। वन चीज इसकी फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी है यार, 15+ है इसकी, विच इज वेरी गुड, बट क्या करें एवरेज का यार, इतने आपने फीचर्स दिए में। आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी में चेक करवाता हूँ, जब आप दरवाजा बंद करते हैं तो ऐसी सॉलिड आवाज आती है, ना वो आवाज आपको मर्सिडीज में फील होगी, ना ऑडी में, ना बीएमडब्ल्यू, ऑल द सीरीज ऑफ लाइक दिस सेगमेंट कार्स आपको किसी में वो फील नहीं होगी, जस्ट लाइक दैट, चेक करें। ओए होए होए क्या बात है यार, ये तो 50 लाख वाली फीलिंग आई है आपको। इंजन वगैरह पे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना है इसका, ठीक है। इंजन जो है ना भाई इसका वो 800 सीसी कैटेगरी में आता है, लेकिन वो एक टर्बो चार्ज्ड इंजन है प्रॉपरली, ठीक है ना, ऐसा इंजन नहीं है, वो टर्बो चार्ज इंजन है इसका, और ऐसा इंजन है मैं कहता हूँ कि भिज जाती है सड़क पे, भिज जाती है ये जब चलती है ना रोड पे, एकदम से ले डाउन होकर चलती है ये और भागती है, चलती भी नहीं है, और जो ड्राइवर इसको चला रहा होता है उसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखना है, और साथ वाले लोगों को भी उसने दिलाना है कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उसके हाथ में होगी, साथ वाले ऑब्वियसली डरेंगे थोड़ा सा। मैं जब फर्स्ट टाइम खुद इसकी अगली सीट पर बैठा था मुझे बड़ा इसको डर लगा था, और लेकिन ड्राइवर का दिल मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और हो डिपर भी है भाई इसमें, चेक करें, डिपर भी है यार ये डिपर, क्या बात है, 15 लाख पूरे कर रहे हैं आपसे। सो इंजन से टर्बो चार्ज इंजन है बेसिकली, और बहुत भागती है गाड़ी, बहुत भागती है, बॉडी रोल तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है भाई सर। बेसिकली ये एक फन रिव्यू था इस कैरेट डब्बे का, गाड़ी तो नहीं ना कैरेट डब्बे का बोलूँगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको इन्जॉय किया होगा यार, इस गाड़ी में कुछ नहीं है यार, यकीन मेरे कुछ भी नहीं है जो मैंने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, कोई फीचर्स नहीं है इस गाड़ी में, कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है इस गाड़ी में, और स्टिल ये गाड़ी अब मैं अब एसी आ गया, शुक्र है इन्होंने कुछ सुन लिया है कंज्यूमर की, और इन्होंने 15 लाख रुपए प्राइस कर दिए भाई, 1.5 मिलियन के बजट में, 15 लाख के बजट में कौन ये गाड़ी लेना पसंद करेगा यार, लेते हैं लोग, लेकिन वो कमर्शियल यूज के लिए आई थिंक सो लेंगे, और मोस्टली कमर्शियल यूज के लिए ही लोग ऐसी गाड़ियाँ ले रहे हैं, और चल रही हैं लोग ले रहे हैं, और इन्होंने 15 लाख रुपए में अब ये चीज़ ऐड की है कि इन्होंने एसी दे दी है। सो बड़ा बड़ा एहसान किया उन लोगों ने, और बस ये इसमें बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है भाईजान, बॉडी रोल तो बहुत ज़्यादा ना एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिलेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरे तो हम लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो मेक श्योर लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। लास्ट मी इस तरह की कुछ और आपको वीडियोस आती हैं तो राइट डाउन इन द कमेंट आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फुल कोशिश करूँगा कि लेकर आऊँ। सो ये आज का एक उसके लिए फनी व्लॉग था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं सब देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ मैं, 30-40% लोग, 50% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और हर वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो मेक श्योर फर्स्टली सब्सक्राइब माई चैनल, देन आप लोग मेरी वीडियोस देखें, थैंक यू।